मध्य प्रदेश के नागदा में मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा अखिल भारतीय सफाई मजदूर ट्रेड कांग्रेस 7262 के बैनर तले घोषणा की गई थी कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम 3 महीने में सफाई कामगारों की सारी मांगे मंजूर करेंगे। प्रदेश में सरकार बनाने के बाद सफाई कामगारों के लिए कोई सुविधा प्रदान नहीं करी। कमलनाथ जी को उनका वचन याद दिलाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में 10 संभागों में के अंदर तहसील, नगर पालिका, कलेक्टर, स्थानीय विधायक को कमलनाथ जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उनसे मिन्नतें की गई है। उनसे समय मांगा गया था वार्तालाप करने के लिए, जो उन्होंने हमें समय नहीं दिया, इसलिए अब हम आंदोलन करने की ओर अग्रसित हैं। सीएम हाउस का घेराव 10 अगस्त को किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष मगन जी झंगोट द्वारा भोपाल चलो का आह्वान किया गया है। साथ ही कैलाश तोमर प्रभारी, इसकी जानकारी सुशीला जी द्वारा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर को ज्ञापन के रूप में दी गई है। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। जो ये विधायक जी को ज्ञापन देने आए थे, इसलिए दिया गया था कि क्या कारण? हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस समय हमारे पिछली बार बोला था, उन्होंने कि हमारी सरकार बनेगी, उस समय हम आपका पूरी मांगे हम मंजूर कर, हमारी सरकार बनाओ। हमने सरकार बनाई उनकी, और उसके बाद में फिर हमने कहा कि हमारी मांगे, तो उन्होंने हमारी मांगे आज तक दिनांक तक उन्होंने पूरी नहीं करी। क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे ये है कि मतलब ठेका वर्षा बंद करे और अनुकंप नियुक्ति दिए जाए, उनका वेतन बढ़ाया जाए, उनका एरियल मिला जाए, और दूसरी बात है कि कॉलोनी बनी जाए और उनका मतलब अनुकंपा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।